गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इससे पहले अभी तक हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ लिया, एंटीजन पढ़ लिया, एंटीबॉडी पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। प्रतिजन और एंटीजन एवं प्रतिरक्षी और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ विशिष्टता के साथ संलग्न होते हैं। एक विशिष्टता होती है इनके आपस में जुड़ने की। इनके मध्य होने वाली क्रिया का प्रक्षेपण संभव है। प्रयोगशाला में इन क्रियाओं के अध्ययन द्वारा संक्रमण की पहचान, प्रतिजन व प्रतिरक्षियों की उपलब्धता, अति संवेदनशीलता जैसे कार्यों में सहायता मिलती है। इन्हें सिरमई परीक्षण या सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। ये क्रियाएं द्विदिशीय प्रकार की होती हैं। ये क्रियाएं प्रतिजन के निर्धारक स्थल के एपिटोप व प्रतिरक्षी के परिवर्तनशील क्षेत्र या स्थल पैराटोप के मध्य होती हैं। इन क्रियाओं में हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, जल विरागी अंतःक्रियाएं तथा वांडरवाल अंतःक्रियाएं भाग लेती हैं। ये सभी क्रियाएं एक लघु काल में संपन्न होती हैं तथा प्रतिजन प्रतिरक्षी के मध्य हुए दृढ़ संयोजन पर निर्भर करती हैं। ये क्रियाएं जाति विशिष्टता रखती हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं तीन पदों में संपन्न होती हैं। पहला पद या प्रथम पद है इसके अंतर्गत दोनों के मध्य अन्योन क्रियाएं इंटरेक्शन होती है। यह क्रिया तीव्र गति से निम्न ताप पर भी संभव है। इसमें भौतिक रसायन व ऊष्मा गतिकी के नियमों का पालन किया जाता है। यह क्रिया उत्क्रमणीय रिवर्सिबल होती है। इन दोनों के अणुओं के मध्य आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल बंध द्वारा दुर्बल बंध बनते हैं। यह क्रिया दिखाई नहीं देती किंतु भौतिक रासायनिक रेडियोधर्मी आइसोटोप्स या प्रतिद्वीपशीलता रंजक फ्लोरोसेंट डाइस के द्वारा जांची जाती है। इसके बाद द्वितीय स्तर पर प्रारंभ होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में यह दिखाई दे। यह अवक्षेपण, समूहन, कोशिका लयन, जीवित प्रतिजनों का नष्ट होना, चलनशील जीवों का उदासीकरण न्यूट्रलाइजेशन एवं भक्षाणुनाशन फेगोसाइटोसिस की प्रारंभिक तैयारी होना जैसी क्रियाओं के रूप में संपन्न होता है। दिस इज द सेकेंड स्टेज। नाउ द थर्ड स्टेज और तृतीय पद जो है वह उसमें श्रृंखलाबद्ध क्रियाओं के रूप में प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत हानिकारक प्रतिजन्स का उदासीकरण या नष्ट किया जाना अथवा ऊतक नष्ट किए जाने जैसी क्रियाएं होती हैं। विभिन्न रोगाणुओं के प्रति एवं एलर्जिक पदार्थों के प्रति की जाने वाली तरल रोधक क्षमता की क्रियाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट इसका टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं के सामान्य लक्षण निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किए जाते हैं। पहला है इसमें यह क्रियाएं अति विशिष्ट होती हैं। अति विशिष्ट होती हैं अर्थात एक विशिष्ट प्रतिजन इससे संबंधित या समजात और होमोलोगस प्रतिरक्षी के साथ ही संलग्न होता है। किसी विशिष्ट के साथ ही संलग्न होता है यद्यपि इस क्रिया में
प्रतिरक्षी के समान होने के कारण कभी कभी गलती भी हो सकती है। दूसरा है, इन क्रियाओं में प्रतिजन के पूर्ण अणु भाग लेते हैं एवं इनके खंड नहीं बनते, इसका कोई सेगमेंट नहीं बनता है। प्रतिजन के किसी एक भाग या वाहक पर प्रतिजेनिक निर्धारक और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट उपस्थित होने पर पूरे अणु पर समूहन या एगुलेशन का प्रभाव दिखाई देता है। थर्ड है, प्रतिजन या प्रतिरक्षी का क्रिया के दौरान विकृतिकरण नहीं होता, कोई इसका विकृतिकरण नहीं होता है। फोर्थ, प्रतिजन या प्रतिरक्षी में संयोजन और कॉम्बिनेशन सतही स्वरूप में होता है, संक्रमणीय कारकों के सतह पर ही प्रतिरक्षण योग्य कारक पाए जाते हैं, अतः प्रतिरक्षी इनके प्रति सतही संयोजन पर क्रिया प्रारंभ करती है। नेक्स्ट है, यह संयोजन दृढ़ किंतु उत्क्रमणीय होता है। अणुओं के मध्य संयोजन बनने वाले बंधों जटिल की पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेकर समूहन एगुलिनेशन या अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन की क्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिजन प्रतिरक्षी में संयोजन का अनुपात इन पर निर्भर करता है कि इनमें भाग लेने वाले अणुओं की संयोजकता क्या है। प्रतिजन प्रतिरक्षी बहु संयोजकता मल्टीवेलेंट वाले अणु होते हैं। प्रतिजन की संयोजकता सामान्यतः हजारों में होती है। प्रतिरक्षी सामान्यतः द्विसंयोजकता और बाइवेलेंट वाली संरचना होती है। IgM अणु पर 5-7 संयोजनशील स्थल हो सकते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रियाओं को अध्ययन करने की दृष्टि से हम इनको निम्नलिखित क्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है या कर सकते हैं। पहला है इसमें अवक्षेपण और प्रेसिपिटेशन। जब विलयशील प्रतिजन अपने से संबंधित प्रतिरक्षी से मिलता है एवं अन्य कारक तापक्रम pH व विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl आदर्श मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। यह अवक्षेप इन दोनों की मात्रा पर निर्भर करता है। कभी कभी प्रतिजन प्रतिरक्षी जटिल निलंबित कणों सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में होता है, इसे हम ऊर्षण कहते हैं। अवक्षेप बनने की क्रिया तरल माध्यम या जेल जैसे अगार एग्रोज में होती है। भाग लेने वाले प्रतिजन व प्रतिजन की मात्रा या प्रतिशत के आधार पर अवक्षेप की मात्रा व गुणवत्ता या क्वालिटी निर्भर करती है। अलग अलग परख नलियों में इनकी विभिन्न मात्राओं के मिलाने पर विभिन्न लक्षणों का अवक्षेपण प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रयोगशाला में जेल माध्यम में अवक्षेप बनाकर इस क्रिया को सरलता के साथ किया जा सकता है। तरल माध्यम की अपेक्षा जेल माध्यम में बना अवक्षेप स्थायी व स्पष्ट होता है, इसे हम प्रतिरक्षा विसरण कहते हैं। दूसरा है समूहन। समूहन के अंदर हम अध्ययन करेंगे। जब कण स्वरूप का प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ आदर्श तापक्रम pH व विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में मिलता है तो ये कण गुच्छ या समूह बना लेते हैं। अवक्षेप की अपेक्षा यह क्रिया अधिक संवेदनशील होती है। यह क्रिया नेत्रों के द्वारा सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट देखी जा सकती है। चूंकि अधिकतर कोशिकाएं विद्युत आवेश युक्त होती हैं,
अतः प्रतिरक्षी से मिलने पर समूहन का प्रदर्शन करती हैं। रक्त समूहन की जांच हेतु इस क्रिया की सहायता लेते हैं। उदाहरण के तौर पर रक्त समूह ए की लाल कणिकाओं को एंटी ए सीरम में स्लाइड पर रखने पर समूहन की क्रिया होती है। इसी तरह से विभिन्न रोगों की जांच के लिए भी इस क्रिया का सहायता लेते हैं, जैसे टाइफाइड हेतु विडाल का परीक्षण होता है और समूहन क्रिया का प्रयोग अनेक प्रकार के परीक्षणों हेतु भी किया जाता है, जिसमें अपन रेडियोधर्मी इम्यूनो जांच होती है, इलिजा टेस्ट होता है, वेस्टर्न बोल्ट परीक्षण शामिल हैं जो प्रतिजन की पहचान करने में होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सतही प्रतिजन की उपस्थिति, एंटीबॉडी की जांच, रूबेला विषाणु, HIV 1 और 2 विषाणु, कवक जीवाणुओं, आशिम एवं हार्मोन की उपस्थिति का पता लेने हेतु भी इस प्रकार का परीक्षण किया जाता है।